तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग के ऊपर, और वीवीए प्रोग्रामिंग के हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शंस। लास्ट क्लासेस में हमने कुछ फंक्शंस के बारे में डिस्कस किए थे, आज भी हम आपके साथ कुछ फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं डीआईआर फंक्शंस और फाइल डायरेक्टिव फंक्शंस हैं, कुछ डीआईआर फंक्शंस, फाइल लेन के बारे में, फाइल डेट एंड टाइम है, तो कुछ ऐसे ही डायरेक्टिव फंक्शन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वीवीए के ऊपर। तो डिस्कस करने से पहले हम एक अपना एक क्वेश्चन तैयार करते हैं कि आखिर किस पर्पज से करना है। तो बेसिकली हमारे एक फोल्डर में, मान लीजिए बीआई फोल्डर है, इसी फोल्डर को ले लेते हैं, इससे बहुत सारे हमारे फाइल्स है। मुझे इन सारों फाइल का एक लिस्ट चाहिए एक्सेल के ऊपर कि इस फाइल में इस फोल्डर में कितने नंबर ऑफ फाइल है, फाइल का क्रिएशन डेट क्या है और फाइल की साइज क्या है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या करना है? अब चलिए इसकी हम प्रोग्रामिंग पे ध्यान देते हैं, मॉड्यूल्स करते हैं, सब्जेक्ट आर आर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, या आर आर की जगह पे हम यहां देते हैं फाइल डी आई आर। उसके बाद हमारे पास बेसिकली एक वेरिएबल देते हैं डी आर एफ एन, फाइल नेम एज ए स्ट्रिंग। हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया। हेलो सर, एक्चुअली मैं ये कहना चाहता कि मुझे वीबीए का नॉलेज ज्यादा नहीं है, तो मुझे ये सब चीजें इतनी इजीली समझ नहीं आ रही। बेसिकली आपने एज ए डेमो ज्वाइन किया ना सर, तो आप अब जॉब कीजिए कि ट्रेनिंग कैसे कंडक्ट हो रही है। ठीक है ना? ठीक, आपको ट्रेनिंग का मीडियम ऑब्जर्वेशन करना है, उसके बाद जब कोर्स को ज्वाइन करेंगे आप तो आपको शुरू से एबीसीडी पढ़ाया जाएगा। ओके ओके, तो एफ एन एडजस्टिंग लिया, और मैं एफ एन के ऊपर हमारे पास एक DIR फंक्शन होता है। DIR फंक्शन का काम क्या है पहले बता देता हूँ। DIR फंक्शन का काम है कि आप उसमें एक फोल्डर का पाथ दे दीजिए और फोल्डर का नाम दे दीजिए। ठीक है, तो बेसिकली DIR फंक्शन का काम ये होता है कि चेक करता है कि वो पर्टिकुलर फोल्डर, उस पर्टिकुलर फाइल, उस पर्टिकुलर फोल्डर एड्रेस पाथ में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। एग्जिस्ट करेगा तो आपको उसका फाइल का नाम रिटर्न करता है। ठीक है ना? अगर मैं इसको दिखाऊं कि मैंने पास दे दिया, ये रहा हमारा पास, हाँ पास ले लिया पास, और स्लैश मान लीजिए कि हम कोई फाइल नहीं दे देते, और एम डॉट एम पी फोर, यहाँ पे डॉट एम पी फोर कर, और हमने फाइल का टाइप ले लिया वीवी नॉर्मल, राइट। तो अगर मैं एम एस जी बॉक्स के अंदर में अगर एफ एन करता हूं तो आप देखेंगे वो फाइल का नाम रिटर्न कर रहा है। समझ गए? तो इससे हमें क्या फायदा, हमें तो पूरा लिस्ट चाहिए। तो यहाँ पे ये होता है कि इसमें हम स्टैक की भी देते हैं कि अगर हमने स्टार लगा दिया स्टार डॉट एम बी फोर, मुझे फाइल का नाम पता नहीं है, फिर भी आप देखिए आपका फाइल का नाम यहाँ ढूंढ के दे रहा है। समझ गए? लेकिन ये तो फाइल का नाम एक ही देता, मतलब कि यहाँ पे कंप्लीट फाइल का नाम देने की जरूरत नहीं है, आप फाइल का कोई भी एक नाम का एक पार्ट दे सकते हैं। जैसे आप लोग सर्चिंग में करते हैं डॉट स्टार डॉट एम पी फोर, या फिर आप कुछ लिख के स्टार डाल देते हो, तो जो स्टैक की लाइक कमांड होता है वो लाइक कमांड यहाँ पे वर्क करता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे एक चीज और आ गई कि हमें तो पूरा डायरेक्टिव चाहिए थी, तो एक ही नाम दे रहा है। तो बेसिकली आपका जो एफ एन का है स्ट्रिंग है, मतलब कि ये जो लोकेशन है, हेलो कुछ बोल रहे हैं?
तो इसमें हमारे पास जैसे कि fn जो हमारा है स्ट्रिंग है, मतलब कि ये जो dir फंक्शन जो फॉर्मूला है वो रिजल्ट fn को स्टोर fn को दे रहा है स्टोर करने के लिए, क्योंकि फॉर्मूला जब भी चलता है कहीं ना कहीं चाहता है, जैसे कि आप एक्सेल सीट पे फॉर्मूला लगाते हो तो किसी रेंज पे लगाते हो ना a1 b1 c1 पे, और फॉर्मूला कैलकुलेट होके रेंज को देता है, उसी तरह से आपका dir फंक्शन कैलकुलेट होके आपको fn को दे रहा है। fn जो है स्ट्रिंग डेटा टाइप है, मतलब कि वो एक ही वैल्यू को एक बार में रिसीव कर सकता है, एक से ज्यादा वैल्यू को रिसीव नहीं कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया fn इक्वल टू dir ब्रैकेट एंड ओपन क्लोज और msg बॉक्स कर दिया। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि पहले बार में आपको पहला फाइल का नाम, दूसरे बार में देखिए इसने दूसरे फाइल का नाम दे दिया, मतलब कि आप जितना बार dir करेंगे, इसको रीलोड बोलते हैं, तो dir फंक्शन ने अपने पास इस लोकेशन के जितने भी MP4 वाली फाइलें हैं उस MP4 फाइल का रिकॉर्ड अपने पास रख लिया है, लेकिन वो fn को एक बार में एक ही दे रहा है। तो जितना दूसरा वैल्यू के लिए आपको यहाँ पे dir करना पड़ेगा तो दूसरी वैल्यू स्टोर होगा, लेकिन मुझे ये वैल्यू दो चीजें हैं। पहली चीज, मुझे ये वैल्यू चाहिए एक सेल में, जैसे यहाँ पे हमने दे दिया फाइल नेम, ये आ गया हमारा डेट एंड टाइम, और ये हमारा आ गया साइज, तो मुझे यहाँ पे चाहिए। तो मैंने यहाँ पे दिया रेंज a65000 डॉट एंड xls आप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू fn। तो ये क्या किया, इसने क्या किया कि 65,000 पर नीचे जाएगा, कंट्रोल के साथ अप एरो प्रेस करेगा, एक रो नीचे आएगा और यहां पे फाइल का नाम लिख देगा, राइट। अब मुझे इस फाइल, ये जो फाइल fn पे है, इसका मुझे ये भी चाहिए, फाइल की साइज भी चाहिए, सॉरी फाइल का डेट एंड टाइम चाहिए। तो यहाँ पे हम एक काम, इसी को यहाँ कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम देते हैं 0 और यहाँ देते हैं 1 वैल्यू इक्वल टू, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है फाइल डेट टाइम, इसमें हम फाइल का पाथ देते हैं। तो fn के ऊपर जो स्टोर है वो तो सिर्फ एक ही फाइल स्टोर है ना, मतलब एक ही फाइल पाथ है, सिर्फ फाइल लेने, सॉरी पाथ नहीं है, तो हम यहाँ से पाथ को कॉपी कर लेते हैं और इन्वर्टेड कॉमा में मैं यहाँ पे फाइल का पाथ देता हूँ, और इसके साथ हम fn जो हमारा फाइल नेम है जो कैलकुलेट होके आया है उसको डाल देता हूँ, तो फाइल का साइज आ गया। अब बात आती है फाइल का से साइज, तो फाइल डेट एंड टाइम की तरह हमारे पास एक और फॉर्मूला है फाइल लेन का, फाइल लेन, यहाँ पे फाइल लेन आपको दिख गया, पाथ हमने सेम जैसा से डाल दिया। तो अब मैं इसको अगर रन करूंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मैंने ये नहीं दिया, 0 के जगह पे हम 1 देना है। अब यहाँ पे हम देते हैं यहाँ पे इसको, तो आप दे गलत कर दिया, फिर मैंने यहाँ पे 2 देना है ना, हाँ। तो हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे फाइल डेट एंड टाइम और फाइल की साइज आ गई, बट फाइल की साइज इसने दिया है वो दिया है बाइट में, तो मुझे इसको ये करना है MB में करना है, तो मुझे इसको डिवाइड बाई 1000 होता है ना सर, कैसे कन्वर्ट करते हैं? शायद नहीं, 9 MB तो नहीं होगा, एक बार देख लूं, 9 MB की फाइल है ना, हाँ सही है,
9.91 सही है, करेक्ट है, तो हमारा एम बी आ गया। और इसके साथ मैं लिखना चाहता हूं एम बी, तो मैं यहां पे कॉन्कैटिनेट कर देता हूं, लिख देता हूं एम बी, एम बी। बट प्रॉब्लम ये है कि ये तो बहुत सारा आ गया, मुझे इसको तो राउंड करना चाहिए था, तो उसका एक जुगाड़ हमारे पास है। अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि आर सॉरी साइज एस इक्वल टू, ये पूरा मैं ले लेता हूं और यहां पे एस कर देता हूं, और यहाँ पे बेसिकली इसमें वीवीए में राउंड का कोई राउंड राउंड एक्सेप्ट करता है, राउंड में हमने यहाँ पे कॉमा टू दे देता हूँ, टू डेसिमल प्लेसेस। तो आप देखेंगे अब एस को यहाँ डिफाइन कर देता हूँ कि डिम एस एज ए डबल, क्योंकि डेसिमल्स ले है तो डबल हमने दे दिया। अब देखिए मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई क्या? हाँ 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 यहाँ पे हमने वापस एक डिलीट कर दिया ना। हाँ ये हमारा अब सही है, ठीक है। बट ये तो हमेशा एक ही फाइल का रिकॉर्ड दे रहा है ना, हमें तो हर फाइल का रिकॉर्ड चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे सर, डू वाइल लूप लगाएंगे ना, एफ एन इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, क्योंकि मुझे इस कोड को बार बार रिपीट करना है, और हमने लूप दे दिया। अब मैं जैसे इस फाइल को ओपन रन करूंगा, रन करते आप देखेंगे कि यहाँ पे जितने भी फाइल्स थे सारे फाइल्स का नेम, उसका क्रिएशन डेट और उसका साइज आपके सामने है। अभी कोड में क्या दिक्कत है कमरान जी और बाकी लोग बताइए। कोई डाउट नहीं है, चलिए कुछ और हमारे फाइल डायरेक्टिव है उसको बता देता हूं, उसको आप लोग यूज कर लीजिएगा। कुछ मिसलेनियस कोड्स हैं, मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि किल, किल होता है किसी भी फाइल को या फोल्डर को डिलीट करने के लिए हम किल का इस्तेमाल करते हैं, कि अगर आपको कोई फाइल डिलीट करना है तो आप फाइल का पाथ या फोल्डर पाथ और लास्ट में यहाँ पे हम दे देते हैं अपना विद एक्सटेंशन, वो फाइल को डिलीट कर देगा, किल उसके लिए होता है। उस तरह से अगर आपको फोल्डर क्रिएट करना है तो mkdir पता है और आप यहाँ पे पाथ दीजिए, लास्ट में जो पाथ फिर लिखेंगे, जैसे मैं लिख दिया 123, तो 123 नाम का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। तो किल फाइल डिलीट करने के लिए होता है, एम के डायरेक्टिव किसी पर्टिकुलर फोल्डर को बनाने के लिए होता है। उसके बाद हमारे पास जो अगला आता है वैल्यू, वो आता है आपके पास कॉपी, फाइल कॉपी, फाइल कॉपी। आपको एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन में पेस्ट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, फाइल कॉपी का, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर फाइल को कॉपी करता है एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन में, फाइल कॉपी। फिर एक आता है आपका नेम का फॉर्मूला, नेम, नेम क्या करता है एज ए कि एक फाइल को, जैसे यहां पे मैंने लिख दिया 123.xls, उसको हम मान लीजिए कि कुछ और फाइल नेम में कन्वर्ट करते हैं, तो ये आपका फाइल कॉपी है, नेम है, ये फाइल को रिनेम करता है। तो किसी फाइल को डिलीट करने के लिए किल कमांड यूज करते हैं, किसी फाइल को किसी इसको क्या बोलते हैं, किसी
डायरेक्टरी मतलब कि किसी फोल्डर को क्रिएट करने की MKDIR का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद अगर बात करते हैं इसमें कि आपका अगर कोई फाइल को कॉपी करना है तो फाइल कॉपी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम ये। और उसके फाइल का पाथ होना जरूरी है, इस एक्सटेंशन होना जरूरी है, ध्यान रखिएगा कि .xlsx और यहाँ भी डॉट। अब फाइल आप जरूरी है कि दोनों का नाम एक ही होना चाहिए, आप कॉपी करके किसी और नेम से भी रख सकते हैं, ठीक है। एक और समझ में आ गया? अब इसके एग्जाम्पल आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो, जी सर, कोई डाउट है इसमें? नहीं कमरान जी, जसपाल जी, हेलो, जसपाल जी साथ में, आप इस्तेमाल जी है ना? ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। लेकिन इसमें बात होता है कि अगर आप कोई फोल्डर को कॉपी करना चाहते हैं ना सर, हाँ तो फोल्डर को कॉपी नहीं कर सकते आप। फोल्डर को कॉपी करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना होता है। अगर मान लीजिए कोई फोल्डर कॉपी करना चाहते हो, मान लीजिए मैं कोई फोल्डर, कोई पर्टिकुलर फोल्डर, जैसे कि कोई फोल्डर हो, न्यू फोल्डर, हाँ, उस फोल्डर को कॉपी करके किसी और जगह पे ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कुछ और लिखेंगे। यहाँ मैं एक बार करके देखता हूँ, सब आ रहा, कॉपी फोल्डर। तो फोल्डर कॉपी करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना होता है, जैसे कि डिम OBJ, या फिर मान लीजिए कुछ भी दे देता हूँ, हाँ, FLC, FLC एज ए ऑब्जेक्ट। और फिर हम सेट करते हैं कि सेट FLC इक्वल टू एक से होल्ड कीजिए। और यहाँ पे आई थिंक होता है क्रिएट, ये ऑब्जेक्ट तो होता ही है, लेकिन इसमें हाँ, इसमें हम देते हैं SC, सॉरी यहाँ पे S होगा, SCRI। वैसे ये बार बार हम यूज नहीं करते ना, इसकी स्पेलिंग हम भूल जाते हैं, तो देखना पड़ जाता है। स्क्रिप्टिंग डॉट फाइल, क्या बोले, कुछ बोले सर? सिस्टम ऑब्जेक्ट, और फिर यहां पे लिखते हैं FLC डॉट कॉपी फोल्डर। और इसमें आपका डेस्टिनेशन डालना है, ओरिजिन, सर ओरिजिन, और कॉमा डेस्टिनेशन डालिए, आपकी फाइल कॉपी हो जाएगी। आप अपने अपने आप सिस्टम पे ट्राई कीजिएगा, ठीक है।
सर, ये आपका फाइल को कॉपी कर देगा। हाँ ये चलिए काम कर रहा है FLC, इसको रीड कर लिया इसने। हेलो, तो फाइल कॉपी करने, फोल्डर कॉपी करने आ गया। हेलो हेलो सर, मेलिंग करना सिखाई अभी आपने? नहीं, मेलिंग नहीं सिखाया। मेल नहीं सिखाया है? एक और आई थिंक होता है, मैं अभी सिखाऊंगा। अभी अभी तो फंक्शन चल रहा है ना, यूजर फॉर्म के बाद है वो। ठीक है सर, तो आप लोग इस पे प्रैक्टिस कीजिए। अगली क्लास में हम कस्टम डायलॉग्स के बारे में सीखेंगे। ठीक है, ये फाइल हैंग हो गई है, जब ये सही हो जाती है तो मैं आपको भेज देता हूँ। ओके ओके, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर।